क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट। आपता अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष पश्चात 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इस वाली शर्त को बीजगणित विधि तथा ग्राफ विधि में प्रदर्शित कीजिए। तो माना कि आपता आपकी आयु एक्स वर्ष, पुत्री की आयु वाई वर्ष। प्रश्नानुसार जो आपताप बढ़ाए तो उसकी एक्स पहले लेंगे और वाई तक। पूर्व के लिए माइनस लगाते, 7 वर्ष पूर्व तो एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7, 7 गुनी आयु का तो छोटे वाले में 7 का गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा उसमें करेंगे 7y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस की 7 हो जाएगी, 7 का 7 में गुणा करेंगे माइनस के 49, इसको इधर ले जाएंगे प्लस के 7, माइनस के 49 में प्लस के 7 घटाएंगे तो माइनस के 42। तो पहली इक्वेशन हो गई एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 समीकरण। सेकंड कंडीशन इसमें 3 वर्ष बचता, तो 3 दोनों तरफ जोड़ेंगे बाद में, 3 वर्ष बाद तो एक्स प्लस वाई वाई प्लस 3, 3 गुनी आई, 3 का गुणा कर देंगे, 3y इसको उधर लाएंगे माइनस की और 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा बीजगणित विधि। अब इसको हम ग्राफ बनाने के लिए इसकी टेबल बनाते हैं, तो एक्स और वाई की पॉइंट निकालने ग्राफ के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू 0 रख दें तो 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 छिंग वाली तो 6 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो ये माइनस के 49, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 49 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7, तो एक्स का मान 7 और वाई का मान भी 7 हो जाएगा। दूसरे समीकरण से टेबल, एक्स बराबर 0 रख दें, 3 गुनी 6 माइनस के 2 आएंगे और वाई बराबर 0 रख दें तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इन दोनों को ग्राफ पर बनाते हैं, 0 6, तो 0 से लेकर 6 तक ये पॉइंट होगा और 7 पर 7, तो इन दोनों को से एक ग्राफ बना देंगे पहली वाली इक्वेशन की। दूसरा इसमें 0 माइनस 2 ये वाला पॉइंट होगा, 6.0, तो इससे जाती है 9, तो इसके लिए बीजगणित विधि 2 समीकरण और इसको ग्राफ बनाना है।